हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है संडे, टाइम हो गए हैं 6:45। बच्चे जा रहे हैं स्कूल। आज से दोनों बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए हैं, तो एग्ज़ाम टाइम है। और संडे फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द स्कूल है, फ्राइडे सैटरडे बच्चों की छुट्टी होती है। तो हस्बैंड भी आज घर में ही है, संडे है तो वो सो रहे थे। इन द मीन टाइम मैंने सारा अपना काम कर लिया मॉर्निंग का, और ये मेरा ब्रेकफास्ट है आज के लिए। तो टाइम हो गए थे 11:45, हस्बैंड भी जाग चुके थे और वो फ्रेश हो रहे हैं। और तब तक मैंने सोचा कि मैं खाना बना लेती हूँ। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है कीमा, मटर एंड आलू। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मटन मिन्स। मिन्स हम शॉप से ही करवा सकते हैं, मैंने मॉल से ही करवा के लेके आ गई थी मटन मिन्स। और उसके साथ हमें चाहिए कुछ प्याज और ग्रीन चिलीज और ये सारे होल स्पाइसेस जो भी आपके पास है। तो ओनियन और ग्रीन चिलीज को मैंने चॉप कर लिया है, तो टमाटर मैंने चॉप करके रखा है। साथ ही मैं यूज़ करूँगी सॉल्ट, टर्मरिक और मसाला। एक कटोरी फ्रेश ग्रीन पीस है जो मैंने छील के रखे थे, बट इसे हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। और ये पटेटोज़ है, छील के अच्छे से कट कर लिया है। और ये हाफ किलो मटर, कुछ पुदीना और धनिया की पत्ती भी हमने कट करके रखे हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने रेडी कर लिए हैं और अब मैं बनाने आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने फ्लेम में प्रेशर कुकर रख दिया था और उसमें अब मैं सारे होल स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो आपके पास जितने भी होल स्पाइसेस हैं आप डाल सकते हैं इसमें। एंड एक बार स्पाइसेस ऐड होने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे ओनियंस एंड ग्रीन चिलीज। तो ओनियंस और ग्रीन चिलीज ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। ओनियंस रोस्ट होने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी मटन मिन्स। तो मटन मिन्स ऐड करने के बाद इसे भी अच्छे से रोस्ट करना है। काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी आता है रोस्ट करने से, तो इसीलिए मैं इसे पहले रोस्ट करूंगी। तो क्योंकि बच्चे स्कूल गए थे और मुझे सारा काम भी करना अकेले था और वीडियो शूट भी करना था, सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और टर्मरिक और मसाला। तो क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ इसीलिए प्रॉपर एंगल भी नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये मसाले ऐड करने के बाद फिर से इसे थोड़ी देर रोस्ट करूँगी। और अच्छे से मटन रोस्ट हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे टमेटोज। और बाद में हम ऐड करने जा रहे हैं पटेटोज और ग्रीन पीस। तो ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर चुकी हूँ मैं, अब इसे अच्छे से रोस्ट करना है मुझे थोड़ी देर। और तो आप देखेंगे जितना भी मटन का कीमा से पानी आया था सारा ड्राई हो चुका है और मैं इसे अच्छे से रोस्ट भी कर रही हूँ। तो अब बारी आती है इसमें पुदीना और धनिया पत्ती ऐड करने की, तो वो मैंने ऐड किया है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड कर लिए हैं, अच्छे से इसे स्टर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर भी कीजिए। तो देखिए सारा पानी ड्राई हो चुका है और अच्छे से हमारा मटन कीमा रोस्ट भी हो रहा है। फिर इसमें मैंने ऐड किया हाफ कप पानी। अगर आपको थोड़ा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम रोटी के साथ इसे खाने वाले हैं, चपाती के साथ, तो इसीलिए मैंने पानी थोड़ा कम ऐड किया है। और अब इसे हम प्रेशर कुक करेंगे। मैंने इस मटन को प्रेशर कुक किया था 6 से
7 विसल्स, डिपेंड करता है आपके फ्लेम, गैस के फ्लेम के ऊपर और आपके प्रेशर कुकर के ऊपर। तो आप जितनी देर उसे कुक करना चाहते हैं आप कुक कीजिए। और यहाँ मेरे हस्बैंड रेडी हो चुके हैं, अपना चाय पी रहे हैं वो। तो मेरे हस्बैंड कभी मिल्क वाला चाय नहीं पीते हैं, वो ग्रीन टी पीते हैं या कॉफ़ी। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से और मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट कर ली है। तो रोटी मैं इसी तरीके से पहले 6-7 रोल कर लेती हूँ और बाद में इसे इकट्ठा तवे पे मैं रोस्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी रोटियां भी रेडी हो रही है और बच्चे भी आ चुके हैं और अपना चेंज करके वेट कर रहे हैं खाने के लिए। तो हमारा लंच टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी 1:30 हो गए हैं। आदित्य वीडियो शूट कर रहे हैं और सभी लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये वाली जो रोटी आदित्य के चक्कर में थोड़ी सी जल गई थी, तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप देख सकते हैं भरत अभी प्रेशर कुकर से उसे दूसरे कंटेनर में मटन कीमा खाली कर रहे हैं, साथ में हमने थोड़ा से ऑनियन और ककड़ी भी काट के रखे हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को बुला रही थी खाना खाने के लिए, खाना रेडी है हमारा। लंच हमारा था मटन कीमा और चपाती विथ ओनियन और कुकुम्बर। तो अब मैं ये खाना सर्व कर रही हूँ अपने फैमिली के लिए, भी ट्राई कीजिए और बताइए कैसे लगा आपको ये रेसिपी। हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया अपना लंच, साथ में हम एक मूवी भी देख रहे थे। एंड फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।